नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैंने अंशु बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। भारत में ट्विटर के 3 में से 2 ऑफिस बंद। ट्विटर ने शुक्रवार को भारत में से 3 में से 2 ऑफिस बंद करने का ऐलान किया। में ये 2 ऑफिस दिल्ली और मुंबई के हैं। बेंगलुरु में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफिस पहले की तरह चलता रहेगा। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि जब कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें घर भेज दिया गया है। CNBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के इंडियन टीम ने 3 एम्प्लॉय बचे हैं। नवंबर में मस्क ने भारत में अपने 90% करीब 200 स्टाफ को निकाल दिया। एलन मस्क ट्विटर के फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए लगातार कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कर्मचारियों की छटनी के साथ दुनिया भर में अपने ऑफिस सेस को भी बंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर की इंडिया टीम में से 3 कर्मचारी बचे हैं। उनमें से एक कंट्री लीड है और अन्य 2 में से एक पास नॉर्थ एंड ईस्ट और एक के पास साउथ एंड वेस्ट रीजन जिम्मेदारी है। ये सभी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। वहीं बेंगलुरु ऑफिस में 2 कर्मचारी काम करेंगे जो सीधे अमेरिका ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं और इंडिया टीम का हिस्सा नहीं है। मस्क 2023 के अंत तक ट्विटर को फाइनेंशियल रूप से मजबूत करना चाहता है। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन जैसी सर्विस को मॉडिफाई भी किया है। भारत ने इन सर्विस को मंथली सब्सक्रिप्शन ₹650 है। स्मृति बोली मोदी को बदनाम करने से विदेशी फंडिंग हो रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिका के बेलेनिया कारोबारी जॉर्ज सोरेस के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान को विदेशी साजिश बताया। जॉर्ज सोरेस ने गुरुवार रात को म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसलिंग में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके पास से तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा। इस पर बयान स्मृति ने कहा है कि विदेशी धरती में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ भारत की डेमोक्रेसी में दखल देने की कोशिश है। उत्तर कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरेस के बयान की निंदा की है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरेस ने ऐलान किया है कि वे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों के नहीं उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा है कि एक विदेशी ताकत ने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को हमले के सेंटर में रखेंगे और हर भारतीय को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इमरान खान कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। लाहौर में खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और भारी संख्या पुलिस बल उनके घर में बाहर जमा है। इमरान की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच उनके समर्थक भी लाहौर के जामन पार्क स्थित घर पहुँचने शुरू हो गए। इसमें वह तनाव की स्थिति बनी हुई है। विरोध को देखते हुए पुलिस घर के आसपास मोर्चा संभालते हुए रात भर से डटे समर्थक भी जमकर नारेबाजी कर रहे। दरअसल इमरान खान पर तोशाखाना में जमा गिफ्ट को रास्ते में खरीदने और ज़्यादा दामों में बेचने का आरोप है। इसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग EC के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। घटना के बाद खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था। शिवसेना विवाद में फैसला 21 फरवरी तक टला। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिंदे गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है। बेंच ने कहा कि नवाब रेबिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं, केस के 7 जजों की बेंच को भेज देना चाहिए या नहीं, ये मौजूदा केस गुण दोष के आधार पर तय किया जा सकता है। इसे मंगलवार को सुनेंगे। CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इस केस को 7 जजों की बेंच को रेफर करने का फैसला 1 दिन पहले सुरक्षित रख लिया गया। बेंच ने जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा समेत CJI DY चंद्रचूड़ भी शामिल है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को फटकार लगाया था। CJI ने कहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया राज्यपाल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कोई भी धड़ा यदि सरकार बनाने का दावा करता है तो राज्यपाल को सदन में विश्वास मत सुनिश्चित करना चाहिए। महाराष्ट्र में जून 2022 में CM एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक
विधायकों को उद्धव ठाकरे गुट ने आयोग ठहराने की मांग की है। हालांकि ठाकरे गुट की मांग से पहले भी शिंदे गुट की ओस डिप्टी स्पीकर सीताराम जिरवाल को हटाने का नोटिस लंबित था। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने। भारतीय मूल के मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब पे सीपीओ थे और प्रमोट कर रहे थे, जिम्मेदारी दी गई थी। नील मोहन गूगल के साथ 2008 में काम कर रहे थे। साल 2013 में कंपनी ने उन्हें 554 करोड़ रुपए का बोनस दिया था। ये पूर्व सीईओ सुसन डायरे वो जो इसकी की जगह लेंगे। सुसन ने हाल ही में अपने पद के इस्तीफा 52 साल की वोजेस्की ने कहा था कि वे अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती हैं, साथ ही अपनी सेहत और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना चाहती हैं, इसलिए ये पद छोड़ रही हैं। साल 2014 में यूट्यूब के सीईओ बनी सुसन ने नील को यूट्यूब का सीईओ बनाए जाने पर बधाई दी। सुसन ने कहा कि हम सोर्स मीटिंग और सब्सक्रिप्शन पर जोर कर रहे हैं। शानदार नील, हमें लीड कराने के लिए सही व्यक्ति है। मुझे यूट्यूब पर उतना भरोसा है जितना 9 साल पहले था। यूट्यूब का सर्वोत्तम दिन अभी आने वाले हैं। बीबीसी पर आईटी का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म। दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग आईटी का सर्वे 60 घंटों के बाद पूरा हुआ। मंगलवार सुबह 11:30 बजे आईटी की टीम बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे शुरू किए, जो गुरुवार देर रात खत्म हुआ। आईटी की टीम देर रात 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों में बाहर निकली। बीबीसी के प्रवक्ता के एक बयान जारी कर कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में जा चुके हैं। हम आईटी की टीम का सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा और हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनका ध्यान भी रख रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों ने जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है, कई लोगों को पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा, ऐसे में कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता। बीबीसी की ओर से कहा गया, हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है। हम अपने रीडर्स लिसनर्स दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम भरोसेमंद निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मीडिया हैं। अपने सहयोगियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना डर और लोभ लाभ के समाचार पहुंचाते हैं। इंजन बंद होने से हुआ नेपाल में पोखरा विमान हादसा। नेपाल के पोखरा में 15 जनवरी को येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 भारतीयों समेत 72 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे के प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ है कि फ्लाइंग पायलट ने लैंडिंग के लिए कॉकपिट में लगे फ्लैप लीवर की जगह गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATS ने लैंडिंग के लिए मंजूरी दी है तो तब फ्लाइंग पायलट ने 2 बार कहा था कि इंजन में कोई पावर सप्लाई नहीं हो रही। येती एयरलाइंस की फ्लाइट 653 में काठमांडू के त्रिभुजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। लैंडिंग में कुछ मिनट पहले ही पोखरा सिटी के पुराने और नए एयरपोर्ट के बीच सेती नदी में गिर गया और नेपाल का नाम दुनिया में सबसे खराब एविएशन सेफ्टी में शुमार है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइंग के क्रू 15 जनवरी को सुबह काठमांडू और पोखरा के बीच पहले 2 उड़ानें भरी थी। हादसे में फ्लाइट 691 इसी क्रू की लगातार 3री उड़ान थी। लैंडिंग कराने वाले पायलट अंजू खातीवाड़ा थी, जो एयरलाइन की 6 महिला पायलटों में से एक थी। उनके पति दीपक पोखरेल 2006 में एक दुर्घटना में मारे गए थे और अंजू के साथ एक ट्रेनी पायलट भी था। तुर्की में 10 दिन बाद लौटे NDRF के जवान। ऑपरेशन भारत के तहत तुर्की में NDRF 8वीं बटालियन गाजियाबाद की टीम 10 दिन बाद भारत लौट गई है। तुर्की में अदाना एयरपोर्ट से उड़े भारतीय वायुसेना स्पेशल विमान C-17 ग्लोबमास्टर शुक्रवार सुबह 9 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड किए। तुर्की में रवानगी के वक्त अदाना एयरपोर्ट के स्टाफ ने तालियां बजाकर उन्हें जवानों को विदाई दी। NDRF ने तुर्की में अपने रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद जवान लौटे हैं। इन जवानों ने तुर्की में 18 घंटे काम किए। NDRF प्रवक्ता नरेश चौहान ने बताया कि 6, 7 और 8 फरवरी को NDRF इंडिया के 3 बटालियनों की टीम बचाव राहत कार्य के लिए तुर्की पहुंची थी। वहां इनका ऑपरेशन पूरा हो चुके, जिसके बाद NDRF टीमों ने लौटना शुरू कर दिया है। क्रिकेटर पृथ्वी शाह से हाथापाई करने वाली लड़की गिरफ्तार। टीम इंडिया से बाहर चल रहे क्रिकेटर पृथ्वी शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाह एक लड़की से बेसबॉल बैट छीनता नजर आ रहे हैं। वहां
उस लड़की का साथी शाह का वीडियो बनाते दिख रहे हैं। लड़की और उसके साथी ने आरोप लगाया है कि शाह और उनके दोस्तों ने डांस क्लब में उनके साथ मारपीट की, फिर बाहर बेसबॉल बैट से हमला किया। वाकया मुंबई में सांता क्रूज में एक 5-स्टार होटल के पास पुलिस ने सपना गिल नामक युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सपना एक सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है। वायरल वीडियो में लड़की, उसका साथी पृथ्वी शाह और कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। शाह किसी से फोन पर बात करते दिख रहे थे। लड़की और उनके साथी का कहना है कि वह पार्टी करने भी गए थे, लेकिन शाह के दोस्तों ने उनके साथ क्लब में मारपीट की। लड़के ने कहा कि शाह के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी शाह ने उनका फोन छीनकर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। सपना गिल के वकील अली काशिफ खान ने पृथ्वी शाह पर अपनी क्लाइंट के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया शहजादा का ट्रेलर। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एक्टर ने फिल्म का प्रमोशन दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर दुबई के बुर्ज खलीफा तक कर दिया। हाल ही में कार्तिक ने दिल्ली के इंडिया गेट, आगरा के ताजमहल पर फिल्म का प्रमोशन किया था। अब इसके बाद फिल्म का ट्रेलर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया, जिसका एक वीडियो एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। कार्तिक फिल्म को प्रमोट करने के लिए बुर्ज खलीफा पहुंचे थे, इस दौरान वह काफी एक्साइटेड नजर आए थे। कार्तिक ने प्रमोशन के दौरान अपने फैंस से भी मुलाकात की और सेल्फी क्लिक करवाई। कार्तिक आर्यन की फिल्म का निर्देशन रोहित धवन ने किया, जिसमें कार्तिक, कृति सेनन, मनीषा कोइराला, परेश रावल, रोनित रॉय और सचिन खेडकर मुख्य किरदार में नजर आने वाले। इसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया। इसमें भूषण कुमार, अल्लू अरविंद, अमन गिल और कार्तिक आर्यन ने निर्मित किया है। बता दें कि शहजादा 17 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सुबह की 10 ताजे खबरें, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।